अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी क्योंकि ये सावन का अंतिम दिन भी होगा और सावन का दिन तो भोले बाबा का महादेव का जो पूरा महीना ये चला है और इस बार अधिक मास भी था तो कोई ऐसा टिप जो लास्ट सावन के दिन जो यदि करे हम भगवान शिव की पूजा अर्चना और जो सबके लिए सबके लिए शुभता लाए हम सभी के लिए सावन में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व तो माना जाता है और अंतिम पूर्णिमा है सावन मास की तो आपको इस दिन अगर आप रुद्र अभिषेक कर सकते हैं यानी कि शिवालय में जाके आप रुद्र की पूजा करें अगर आपको हेल्थ की प्रॉब्लम है तो आज के दिन काले तिल मिश्रित अगर आप गंगा जल से अभिषेक करते हैं तो आपको बहुत आराम मिलेगा फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो आप चावल भगवान शिव को अर्पण करें अगर आपको हेल्थ के इश्यूज हैं तो हेल्थ के साथ साथ रिलेशनशिप के इश्यूज हैं तो भगवान शिव को और माता पार्वती को आप शहद से स्नान करवाएं और अगर आपको कहीं आप पढ़ाई में दिक्कत आ रही है तो भगवान शिव को आप इलायची से बना हुआ दूध जो है उससे आप अभिषेक करें ऐसा करने से आपकी पीड़ा भी शांत होगी और निश्चय रूप से इस श्रावण के महीने में शिव अभिषेक का रुद्र अभिषेक का आपको सत्कर्म का फल भी प्राप्त होगा और यदि जो दे रहे हैं हैं बच्चे आजकल बड़े रहते तो उनके लिए भी कुछ ऐसा स्पेशल है का। आप भगवान शिव को, तो को अर्पण करें साथ में आप स्टेशनरी की चीजें गरीब बच्चों को दान करें किसी को कॉपी चाहिए किसी को बुक्स चाहिए किसी को पेंसिल चाहिए और आपका सामर्थ्य है और जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं आप दान करिए निश्चय रूप से पढ़ाई तो करनी है हार्ड वर्क का कोई सब्सिट्यूट नहीं है लेकिन अगर थोड़ा सा ईश्वरीय और आपके सत्कर्मों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा तो निश्चय रूप से सफलदार की होगी तो मैम जैसे ये तीस को जैसे पूर्णिमा तो तीस को भी शुरू हो रही है तीस को भी शुरू हो रही है और जैसे तो रुद्राभिषेक 30 को भद्रा काल में किया जा सकता है या वो भी नहीं भद्रा काल में रुद्राभिषेक भी रुद्राभिषेक आप रात्रि काल में कर सकते हैं क्योंकि चारों पहर में पूजा होती है भगवान शिव की तो वो आप रात्रि काल में या वो भी अर्ली मॉर्निंग इकतीस अर्ली मॉर्निंग बिफोर सेवन आप एम जी।